बार भी बहुत पहले से भी ज़्यादा आज इस बार भी आया बाढ़, तो इस बार भी हम लोग बहुत कोशिश किए और बहुत अच्छा भी काम किए हम लोग। और इससे भी और ज़्यादा आएगा तो इससे भी ज़्यादा बहुत और अच्छा काम करेंगे। जितने के बाद जो काम रह गया उसे वो काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका DTV भारत में और मैं हूँ आपके साथ एकता। दूसरे चरण का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में जितने भी प्रतिनिधि का नामांकन हो चुका है वो जनता के पास जाकर अपने वोटों की अपील कर रहे हैं और साथ ही अपने द्वारा किए गए सभी कामों की गिनती भी करा रहे हैं। ऐसे में कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के पंचायत प्रत्याशी रूबी कुमारी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने कुछ खास बातचीत की है। कटिहार में द्वितीय चरण पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते ही तमाम प्रत्याशियों को उनका जो है चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। लगभग तमाम प्रत्याशियों को जो है चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं अब मैदान में हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे तमाम वायदे कर रहे हैं। आरोप का भी दौर जो है चल रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हैं कुर्सेला प्रखंड के सापुर धर्मी पंचायत से पंचायत समिति के प्रत्याशी रूबी कुमारी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अगर यह जीतती हैं, अगर ये इन्हें जनता मौका देती है तो इनके लिए पहले प्राथमिकता क्या होगी। वर्तमान में भी वहाँ जो है पंचायत समिति रह चुकी है, तो अब तक इन्होंने क्या इनका कार्यकाल रहा, कैसा इन्होंने काम किया, ये इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रूबी कुमारी है, पंचायत समिति हूँ और सापुर धर्मी की हूँ और मेरा घर बटेशपुर चार टोला है। कौन सा प्रखंड है? प्रखंड कुर्सेला जी। किस पद के लिए आपने नामांकन किया है? पंचायत समिति के लिए। अच्छा, इससे अभी भी आप निवर्तमान में थे, तो कैसा रहा कार्यकाल आपका इस बार? बहुत अच्छा रहा और मैं चाहती हूँ कि फिर से मुझे मौका मिले जनता सबसे कि मैं आगे और भी कुछ कर सकूँ उन लोगों के लिए। तो अभी जो अभी वर्तमान में जो आपने कैसा रहा कार्यकाल, क्या क्या आपने वहाँ किया और आगे क्या करेंगे? वहाँ के जितने भी सरकारी के फंड आते थे उससे हम काम करते थे, बहुत कुछ भी किए, जो बच गया है हम चाहते कि और आगे काम हो। यानी कि आपको अगर फिर से मौका मिलता है तो आप उसे करेंगे? जी। आप जो है सापुर धर्मी पंचायत है उसमें बाढ़ क्षेत्र भी है, वहाँ बाढ़ भी आती है, तो ऐसे में कितना मतलब आप लोगों के सामने मुसीबत होती है, कितना आप लोगों को वहाँ काम करने में परेशानी होती है? बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है और आने जाने में भी दिक्कत होती है वो जगह। उस समय तो हम लोग नाव की व्यवस्था भी करना पड़ता है और घर पे जो है सड़क पर लोग कुछ आ जाते हैं रहने के लिए और उसके लिए खाना पीना का भी व्यवस्था करना पड़ता है। ये सब आपने अब तक किया है? जी। एक सवाल आपसे और है मेरा कि सापुर धर्मी पंचायत में अक्सर जब भी बाढ़ आती है, भीषण बाढ़ इस बार भी आई बाढ़, तो इस बार कैसा आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टफ काम रहा, कैसे आप लोगों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, तो कैसे ये सब संभाले आपने? सर, इस बार भी बहुत पहले से भी ज़्यादा आज इस बार भी आया बाढ़, तो इस बार भी हम लोग बहुत कोशिश किए और बहुत अच्छा भी काम किए हम लोग। और इससे भी और ज़्यादा आएगा तो इससे भी ज़्यादा बहुत और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि आप जो है सापुर धर्मी पंचायत से निवर्तमान में भी आप रहे हैं और एक बार फिर से आप मैदान में हैं, क्या लगता है कि जनता के मन में आपने अपना जो एक पहचान होती है, जो एक उनके अंदर प्यार होता है, सम्मान होता है, वो बना है? क्या लोग आपसे अब भी उतना ही प्यार करते जितना आशीर्वाद पिछले बार दिया था, इस बार भी क्या लग रहा है कि कैसा आपके लिए रहेगा इस बार? पहले भी जो काम किए तो हमको बहुत अच्छा लगा और सबको भी बहुत पसंद आया। हम चाहते हैं जनता सबसे कि और भी हमें मौका दे और उसके लिए भी काम करे और उससे भी प्रेरणा के हमें वोट दे। आप जो है आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से अपने स्थानीय लोगों को या फिर जो आपकी जनता है उनसे क्या आशीर्वाद मांगेंगे, क्या अपील करेंगे? सर, उससे हम यही चाहते हैं कि हमें मौका मिले और उससे आशीर्वाद यही चाहते हैं कि हमें जिताने की कोशिश करें। जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जीतने के बाद जो काम रह गया उसे वो काम करेंगे और जो भी फंड में आएगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे काम से। क्या नाम बताया आपने? रूबी कुमारी। किस पंचायत से प्रत्याशी हैं? सापुर धर्मी। सापुर धर्मी जी। कौन से पद के लिए?
पंचायत समिति के लिए। तो ये हमारे साथ थी रूबी कुमारी, जो कि पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं, निवर्तमान में भी यह रह चुकी है, और इन्होंने बताया कि वह एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने से जो है इन लोगों को वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है हिम्मत अपने हिम्मत से जो है लोगों के इस बाढ़ भी जो है भीषण बाढ़ आई लेकिन लोगों के बीच जो है हिम्मत से काम किया और लोगों की सेवा की है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमने सेवा किया है तो फल देने की बारी अब जनता की है। तो अब ऐसे में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जो है प्रत्याशी नामांकन के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। तमाम जो है प्रत्याशी जनता से मिल रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार।